फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से अरबाज खान के बारे में, अनुराग कश्यप के बारे में, अभिनव कश्यप के बारे में और सलमान खान सलीम खान के बारे में। जहाँ दो दिन पहले अभिनव कश्यप जो दबंग फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने इल्जाम लगाया सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली, जिसमें सलीम खान, अरबाज खान, सोहेल खान, ये सब कहीं ना कहीं बॉलीवुड के एक ऐसे बड़े विषैले सांप है जिसके आगे कोई सामने नहीं है। मतलब बाकी सब जो भी है, नेपोटिज्म के जो भी नौटंकी चालू है बॉलीवुड में, उन सब में सबसे टॉप पे आते हैं सलमान खान और उनकी फैमिली, यानी कि सबसे ज्यादा वो नेपोटिज्म करते हैं, इस तरह की बातें अभिनव कश्यप का कहना था। उस पर सलीम खान ने कल क्या कहा, मैंने आपको बताया, वापस से याद दिला देता हूँ। सलीम खान ने कहा कि उसको चाहिए ना, बोलो मेरे दादा का भी नाम लिख ले, मेरे बाप का भी नाम लिख ले, राशिद खान है, और उसको जो करना है करे, मैं इस मसले पे ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। लेकिन हाँ, अरबाज खान जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि यार इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लेकिन उसने नाम खराब किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है, ये बात बड़ी है। अरबाज खान विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अभिनव कश्यप फॉर डिफेमिंग खान्स फैमिली, यानी पूरा खान फैमिली का नाम बदनाम करने के लिए लीगल एक्शन लेंगे। वहीं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल था इस स्टोरी का कि भाई अनुराग कश्यप जो अभिनव कश्यप के भाई है, वो क्यों अभी तक चुप्पी साधे हुए है, राइट? मैं भी वही सोच रहा था। तो इस पर अनुराग कश्यप ने ये कहा है कि 2 साल पहले मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया था, अभिनव ने, कि भाई मेरे चीजों से दूर है, मैं कुछ भी बोलू कुछ भी करूं, उस पर तूने अपना प्रवचन दिया या कुछ स्टेटमेंट रिस्पेंड दिया तो देख लेना, और तू तेरे रस्ते पे चल, मैं मेरे रस्ते पे चल रहा हूं, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगा, तू मेरे से कुछ मत मांग। यानी कि अभिनव कश्यप ने क्लियर हिंट वार्निंग दी थी अनुराग कश्यप को कि मेरे मसले में तू पड़ मत। और वही आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप भी फिल्म मेकर है, अभिनव कश्यप भी फिल्म मेकर है, उनकी बहन अनुभूति भी एक फिल्म मेकर है, जिनकी पहली वेब सीरीज अफसोस रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि अभिनव के मामले में अनुराग कश्यप चुप है, और ये बहुत ही पर्सनल टॉक है उनका। साफ साफ कहना है कि अभिनव और अनुभूति सब अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ना तो कोई मुझसे मदद मांगना चाहता है, ना तो मुझसे कुछ कहना चाहता, तो मैं भी उनके मसले में नहीं पड़ूंगा, जब उन्होंने इस तरह से मुझे क्लियरली बोल दिया है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या अभिनव इस पे वापस से अपने रिटर्न स्टेटमेंट देंगे या इस मसले को तूल देंगे, क्योंकि अगर ये मसला अभी गर्म है तो अभी इस पर हथौड़ा मारने लायक है, क्योंकि मसला अगर कुछ दिनों के बाद वापस से उठेगा तो उस पर कोई हवा नहीं आएगी, मतलब कोई ध्यान नहीं रहेगा, इसमें तो पक्की बात है। लेकिन हाँ, इन चीजों से जरूर कहीं ना कहीं बौखलाहट हो गई है बॉलीवुड में कि क्या नेपोटिज्म करते हैं सलमान खान या उनकी फैमिली, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये डाउट जरूर, एक क्वेश्चन मार्क जरूर फैंस के मन में पैदा कर दिया है अभिनव कश्यप के ने, और इस बारे में खबर आपको बहुत सारे चैनल्स पे नहीं मिलेगी, क्योंकि सब भैया क्लियर बात नहीं करते, बहुतों को चाटने की आदत होती है। हमें चाटने की आदत नहीं, हमें खबर सुनाने की आदत है। तो कई लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया 2 दिनों से मेरा चैनल, शुक्रिया अगर आपको खबर नहीं पचती है, वो भी सच्ची खबर, और क्योंकि सच्चाई नीम की तरह कड़वी होती है, और मैं सिर्फ खबर बताता हूँ, मुझे उसके अलावा नहीं सोचता। लेकिन हाँ, अभी तक तो कुछ प्रूफ नहीं है, सो वी कांट ब्लेम सलमान खान और हिज फैमिली, अपनी अपनी जगह सबसे, ये मुझे ऐसा लगता है। जब तक कोई क्राइम प्रूफ नहीं होता, कोई चोर नहीं कहेगा मैं चोर हूं, है ना, तो ये चीज है। एनीवेज, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यानी कि उनके खुद के भाई अनुराग कश्यप साथ ही दे रहे, इसका मतलब उनका मैटर थोड़ा सा ढीला जरूर पड़ेगा अभिनव कश्यप का।